हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में आपको तीन टिप्स देने वाला हूं और अगर आप ऐसा कर पाएंगे, तीनों टिप्स फॉलो कर पाएंगे अगर, तो आई कैन बेट यू कि आप अपने चैनल को इतनी फास्टली ग्रो करेंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। दिस इज द फास्टेस्ट वे टू इंक्रीज द सब्सक्राइबर, वो भी एक्टिव सब्सक्राइबर, जेन्युइन सब्सक्राइबर की बात कर रहा हूं। तो क्या है हम आपको बताते हैं। बताने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो कि आपका आपको पूरा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो तीनों टिप्स आप पूरा नहीं कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले करना क्या होगा, टिप्स बताने से पहले मैं शुरू कर रहा हूँ फॉर्मेलिटीज बताना। आपको लिस्ट बनाना है, ठीक है। सपोज कर लीजिए आप टेक्नोलॉजी का आपका चैनल है, टेक्नोलॉजी कैटेगरी का चैनल है, तो उसी कैटेगरी के 10 ऐसे चैनल्स का लिस्ट बना लीजिए सर्च करके YouTube के ऊपर, जिनके लगभग आपके ही बराबर सब्सक्राइबर्स हों। अगर आपके 5000 हैं तो उनके भी 5000 के आसपास, 4000, 3000, 10000 तक भी चलेगा। अगर 50 हैं तो आप उसके 40 या 60 वाले तक का ले लीजिए। अगर 1 लाख है तो उसी के आसपास, 2 लाख है तो उसी के आसपास, तो सभी केसेस में वर्क करने वाला है, ठीक है। उन चैनल्स को विजिट कीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए 10 चैनल को, ठीक है। उसके बाद आप रेगुलरली फॉलो कीजिए, हर रोज जो वीडियो डालते हैं उन वीडियो पे जाके कमेंट कीजिए, पॉजिटिव अच्छा कमेंट कीजिए, है ना। उसके बाद ये ऐसा करने से ये होगा कि आप उनके नज़र में आ जाएंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक आपके प्रति अच्छा भावना रहेगा, मे बी वो आपको सब्सक्राइब कर ले या फिर आपसे एक तरह से दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। अब ये दोस्ती होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो तीनों टिप्स हैं अब हम आपको बता रहे हैं एक करके। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला टिप्स जो है आपको कोलैब करने के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए 10 चैनल से ऐसे कर लेते हैं तो एक दिन उनके सामने प्रपोजल रख दीजिए, मेल कर दीजिए या फिर बात कर लीजिए कैसे भी, ठीक है, कि भाई हम क्यों नहीं हम लोग मिलके कोलैब करें और ग्रो करें साथ में। कोलैब करने का मतलब हम बता रहे हैं क्या क्या, तीन सेंस है तीनों टिप्स में अलग अलग। पहला, मान लीजिए आप 10 में से 4 लोग भी रेडी हो जाते हैं, ठीक है, 10 में से 4 लोग भी रेडी हो गए, 5 भी रेडी हो, जितने रेडी हो गए तो उनसे कहिए कि हम लोग ज्वाइंट एक गिव अवे कर लेते हैं, ज्वाइंट, ठीक है। ग्लीम का गिव अवे यूज कीजिए जिसमें बेसिकली लिंक्स होते हैं, ठीक है, आपके सभी के 4 अगर लोग हैं तो चारों के लिंक्स चारों के चैनल पर रहेंगे। सभी लोग बोलेंगे कि हम लोग को, मतलब सभी लोग बोलेंगे कि भाई आप लिंक्स को एंट्री कीजिए, एक तरह से सब्सक्राइब करना ही होता है जो ग्लीम में होता है, जो सभी लोग कराते हैं करते हैं। तो होगा क्या कि आपके चैनल वाले सब्सक्राइबर उनके उनके उनको जाएंगे, उनके आपको आएंगे, मतलब म्यूचुअल हो जाएगा, ठीक है, एक तरह से, और उससे काफ़ी इफेक्ट होता है, काफ़ी ग्रो होता है। आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर में, जैसे आप याद होगा आपको शर्मा जी, गैदर टू यू गुरु जी, ये लोग पहले बहुत ये करते थे, है ना, तो और ड्रास्टिक चेंज आया था उन लोगों में भी, और मैंने देखा है ऐसा करें सर, ये तो जेन्युइन चीज़ है ना, अगर रेडी हो जाते हैं, मेन है लोग एक दूसरे से जलते हैं थोड़ा, ठीक है, जो कंपटीटर होते हैं, मतलब बराबर के होते हैं, वो एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं या फिर हेल्प नहीं करना चाहते हैं। तो और ख्याल ये भी सच्चाई है कि जब तक आपके बराबर के वो नहीं होंगे सब्सक्राइबर वाले, तो तैयार नहीं होंगे आपसे कोलैब करने के लिए। तो उस तरह के ढूंढिए, एक अच्छा विल बनाइए और मतलब थोड़ा यूनिटी लाइए ताकि आप एक बड़ा स्टेप ले सके, कहीं पहुंच सके। फास्ट ग्रो करना है तो ये करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो पहला चीज हो गया। इससे मतलब सब्सक्राइबर का शेयरिंग हुआ एक तरह से, और कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए कि ज्वाइंट वीडियो बनाकर आप अपने चैनल पर लगाइए और एक्सप्लेन कीजिए गिव अवे के बारे में, ठीक है, और आपको गिफ्ट भी देने में सहूलियत हो जाएगी क्योंकि पैसा कंबाइन मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। और दूसरा टिप्स जो है, आप क्या किया कीजिए उन चैनल्स को जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, जिनको सब्सक्राइब किए हैं, उनसे आप कहिए कि भाई हम आपके चैनल पर इंटरव्यू आपका लेंगे, या फिर आप मेरे चैनल पर आइए, हम आपके चैनल पर पब्लिश करते हैं इंटरव्यू के रूप में, या फिर किसी तरह से इंट्रोडक्शन एक कराइए ताकि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उनको जान जाएं, उनके सब्सक्राइबर आपको जान जाएं। अगर ऐसा करेंगे तो दैट विल वर्क, है ना, बहुत जल्दी जो है। अगर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपके सब्सक्राइबर जो है वो दूसरे चैनल वाले नहीं जानते हैं, तो उनके सब्सक्राइबर आपको जान जाएंगे, वो आपके उनको जान जाएंगे, इस तरह से काफ़ी फास्ट ग्रो हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड चीज, थर्ड जो टिप्स है वो ज्वाइंट मीटअप रखिए, ठीक है, और मीटअप ऐसा रखिए कि तीनों के सब्सक्राइबर जो आए वहाँ पे एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये तीनों जो है बेस्ट स्टेप है मेरे हिसाब से, अगर आप इसे फॉलो करते हैं, और इसे मेन है कि ऐसा कर लेना, अगर आप रेडी कर लेते हैं पार्टनरशिप में, ऐसे लोगों को अपने पार्टनर्स को रेडी कर लेते हैं, तो दैट विल बी ग्रेट अचीवमेंट और बहुत जल्दी आप ग्रो कर पाएंगे। तो उम्मीद है
कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप ऐसा करेंगे और आपके सब्सक्राइबर जो है बूम ग्रो कर जाएंगे। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।